तो ऐसा कितना बार हुआ है कि आप घर में हो या घर में आते हो, सडनली आप एक्वेरियम में देख रहे हो कि मछली इधर उधर सुपर फास्ट घूम रहा है, या श्रिम्प ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या यू नो झटका लेके फिश घूम रहा है, या अजीब अतरंगी कुछ भी जो नॉर्मल नहीं है, एंड आप डर गए हो कि भाई मैं करूं क्या? तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए? सिंपल तीन चार बेसिक आइडियाज आज डिस्कस करेंगे। जब से हमने ये टैंक बनाया ना 30x30x30 स्टोन का, इसका वीडियो है, मैं इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूं, बाद में देख लेना, ओके? जब से ये बनाया ये टैंक, हमने इसका अपडेट भी नहीं किया, दिखाया भी नहीं है। तो आज सोचा दो चीज एक ही टाइम कर दूं, एक ये टैंक का अपडेट हो जाएगा, और आपको क्या करना चाहिए फर्स्ट एड, मतलब कोई भी ऐसा एक अननेचुरल सिचुएशन जब फिश नेचुरल बिहेवियर नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट चीज क्या करना चाहिए, ओके? फर्स्ट एड समझो फॉर योर एक्वेरियम। ये टैंक हमने इसलिए दिखाया नहीं था बिकॉज वो थोड़ा नीचे है, अगर आप देखोगे तो थोड़ा लो लेवल पे है, तो आज पूजा मैडम ने मेरे को नीचे बिठा दिया है ये वीडियो के लिए, ठीक है, ताकि ये टैंक आप सबको दिखे। ये टैंक में पीछे साइप्रस हेल्फेरी ग्रास, साइड्स में क्रिप्टोकॉन वेंडिटी ब्राउन, बीच में पोगस्टमॉन हेल्फेरी, और ये जो राउंडी स्टोन्स है ना, बहुत ही अपना लोकल कावेरी रिवर ऐसा रिवर्स वाले स्टोन है, पेबल्स बोलते हैं, बट ग्रेइश है, ब्लैकिश है। और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज नेचुरली अगर आप रिवर में जाके देखो तो ये जो स्टोन्स है ना उसमें थोड़ा आगे आके ग्रीनिश हो जाता है और बाकी सब इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। ये मैं पहले जानता था कि ये डार्क ग्रीन होने वाला है अल्गे के साथ, ओके? तो इसलिए मैंने साइप्रस सल्फेरी पीछे लाइट ग्रीन यूज किया, यहां पे ब्राउनिश क्रिप्टोकॉन और फिर से लाइट ग्रीन ऑगस्टमॉन हेल्फेरी यूज किया। और फिश इसमें एम्परर टेट्रा है, इसमें कुछ तीन मेल्स है, चार पांच छह फीमेल्स है, एंड सिर्फ एम्परर टेट्रा होने की वजह से वो ब्रीड भी करेंगे। इसमें अमानो श्रिम्प भी है, ऑटोसिंक्लिस भी है, और थोड़े बहुत चेरी श्रिम्प्स भी है एल्गी वगैरह खाने के लिए। और वो तो दिख ही रहा है, वो ऊपर का सिर्फ टकला जो है ना वो अपने ऑटोसिंक्लिस ने खा लिया है, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है, बाकी सब ग्रीन है, उसको मजा आ रहा है। चलो इंटरेस्टिंग लुक हो गया ना, पूजा मैडम इसको डायनासोर का अंडा बुलाती है। इसमें हैंग ऑन बैक फिल्ट्रेशन है, एडीए लाइट है, अगेन 30x30x30 मतलब 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट। हैंग ऑन बैक फिल्टर में बायोरियो है, एज ऑलवेज अपना सब टैंक में होता ही है। एंड ये टैंक में हम एडीए के फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ब्राइटिके मिनरल नाइट्रोजन आयन, ठीक है, स्टैंडर्ड। मेरे सब प्लांटेड एक्वेरियम टैंक्स में आपने फर्टिलाइजर डोजिंग वगैरह देखा ही है। इसमें हम ब्राइटिके मिनरल 1 ml डेली डालते हैं और वीकली वाटर चेंज के टाइम नाइट्रोजन और आयन डालते हैं, ओके? आयन का ज्यादा जरूरत नहीं है बिकॉज उतना रेड प्लांट्स नहीं है, बट सिर्फ जनरल हेल्थ के लिए आयन डालते हैं। तो ये हुआ इसका अपडेट। अब आया पॉइंट कि अगर आपका फिश जब आप घर आओ या घर में हो सडनली कुछ अननेचुरल कर रहा है, सडनली घूम रहा है श्रिम्प ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, या झटका लेके स्विम कर रहा है, या कुछ भी जो नेचुरल उसका नेचुरल नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए?
सो पहले ये जानते हैं कि उसका रीजंस क्या है। उसका रीजंस है पानी में कुछ तो कंडीशंस या पैरामीटर्स चेंज हुआ है। कि आपने कल ही या हाल ही में या सुबह में वाटर चेंज किया होगा और पानी में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो सकता है, आपने क्लोरीन रिमूवर यूज नहीं किया होगा, या अगर आप बोर का पानी यूज करते हो तो पीएच या हार्डनेस कुछ तो फर्क पड़ा है, वो पहला है। अगर आपके पास प्लांटेड टैंक है तो CO2 ज्यादा हुआ हो सकता है, ठीक है, या दोनों एस्पेक्ट में, अगर प्लांटेड हो या नॉन प्लांटेड हो, आपका फिल्टर में कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ तो एक्सेस अमोनिया, बैक्टीरिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका बायोमीडिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, अमोनिया लेवल इंक्रीज हुआ है। ये सबसे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज हम लोग बोल सकते हैं। ज्यादातर ये सिचुएशंस वाटर चेंज करने के बाद इमीडिएटली या आधे घंटे में होता है, बिकॉज क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो सकता है, या पीएच फर्क हो सकता है, या हार्डनेस फर्क हो, या हार्डनेस या कोई भी वाटर पैरामीटर चेंज हुआ टैंक के कंडीशन के अलावा। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप पहले टैंक का पैरामीटर समझो, अमोनिया जीरो होना चाहिए, वाटर का हार्डनेस क्या है, पीएच क्या है, ये सब समझो, और जब आप वाटर चेंज करते हो मेक श्योर कि वो बैलेंस रहे, राइट। अब अमोनिया अगर ज्यादा है तो मतलब फिल्टर ठीक नहीं है, ठीक है, ओवर स्टॉकिंग की वजह से या वो ज्यादा फिश होने की वजह से पूप ज्यादा है, कचरा ज्यादा है, और वो बैक्टीरिया उसको तोड़ नहीं रहा है, या अमोनिया बिल्ड हो रहा है और बैक्टीरिया अमोनिया को तोड़ नहीं पा रहा, बिकॉज बैक्टीरिया है भी नहीं, बिकॉज आपके फिल्टर में मीडिया नहीं है या सही मीडिया नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और CO2 अगर प्लांटेड टैंक है, हो सकता है कभी कभी CO2 ज्यादा हो गया, CO2 अगर ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन कम, और ऑक्सीजन कम तो ब्रीथ नहीं कर सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते तो ऊपर आ जाएंगे, सरफेस पे स्विम करेंगे, अननेचुरल बिहेवियर होगा। और अभी जो जैसे विंटर का मौसम है तो टेम्परेचर चेंज फिश को मतलब मूवमेंट कम करा सकता है, वो भी अननेचुरल है ना, फिश तो मूवमेंट करते रहना चाहिए, तो अगर वो कोने में जाके बैठ रहा है, नीचे जाके बैठ रहा है, टेम्परेचर चेक करो फर्स्ट हमेशा। तो सिंपल चीज है, तो हमें क्या करना चाहिए, अभी अभी हमने कॉजेस देखा, सॉल्यूशंस देखा, क्या करें इमीडिएट, क्या करना है, फर्स्ट थिंग टेम्परेचर चेक करना है, फर्स्ट थिंग। कुछ तो इशू लग रहा है आपको, आपको सेंस होता है, एज अ हॉबीस्ट हम लोग देखते रहते हैं तो पता चलता है अननेचुरल है, फटाफट टेम्परेचर चेक करो। टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी टेम्परेचर वाले वीडियो में समझाया है कि आइडियल टेम्परेचर बिटवीन 26 एंड 28 अगर फिश टैंक है, ओनली फिश, अगर प्लांटेड टैंक है तो 24 एंड 26 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर करेक्ट है तो एक प्रॉब्लम सॉल्व, दूसरा फटाफट 10% वाटर चेंज करो, फटाफट, कुछ भी सोचना मत, वाटर चेंज कर दो। और जो चेंज करते हो वाटर उसमें क्लोरीन नहीं होना चाहिए, और जब आप चेंज करते हो अगर अमोनिया स्पाइक है तो फिश को रिलीफ मिलता है, अगर CO2 इंक्रीज हुआ है तभी भी फिश को रिलीज मिलता है, और ऑक्सीजन बढ़ता है टैंक में तो उनको रिलैक्स होने लगता है। CO2 अगर ज्यादा है तो CO2 ऑफ कर दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लांटेड टैंक में डाउट लग रहा है CO2 ऑफ कर दो। CO2 अमोनिया बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत सिंपल नुस्खा है, फटाफट 10% वाटर चेंज, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
ठीक है। अब ये वेट मत करो कि हाँ मैं यूट्यूब में मयूर सर को सोल्यूशन पूछूंगा, वो दो दिन बाद रिप्लाई करेंगे, तब तक फिश तो मर जाएगा, या शॉपकीपर को पूछूंगा, इसको फोन करूंगा, नहीं। फर्स्ट एड, फर्स्ट थिंग, 10% वाटर चेंज। अगर प्लांटेड टैंक है CO2 ऑफ, 10% वाटर चेंज, ठीक है। अगर फिश टैंक है, 10% वाटर चेंज, फिल्टर मीडिया वॉश टैंक के पानी से, ओके। अगर टैंक का पानी धुंधला है, हेजी है, क्लाउडी है, तो ज्यादा वाटर चेंज करो। और कभी भी ऐसे सिचुएशन में पूरा टैंक खाली मत करना, सिर्फ थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वाटर चेंज करो, पूरा टैंक खाली करोगे सब मर जाएगा। एंड हमेशा क्लोरीन रहित पानी यूज करो, सॉफ्ट वाटर यूज करो, फिश अच्छा रहेगा। और जब आपका फर्स्ट एड कंप्लीट हो जाए और आपका फिश नेचुरली स्विम करने लगे या शांत हो जाए या स्ट्रेस फ्री हो जाए, तब जाके आप ये जानने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम क्या हुआ था और उसका असली सोल्यूशन या मेडिकेशन या जो भी करना है वो करो। लेकिन पहला फर्स्ट एड करना जरूरी है। तो आज मेरे गैलरी के फ्लोर से, एक्चुअली फ्लोर से, ठीक है, मैं ये आशा करता हूं कि ये भी एक अपडेट और एक सिंपल आइडिया कि हमें जब डाउट में हो तो क्या करना चाहिए। ओके, सिंपलेस्ट थिंग, ठीक है, याद होगा ना, अगर पानी साफ है तो मछली हैप्पी, एक्वेरियम हैप्पी, आप भी हैप्पी, ठीक है। तो मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से, आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक और हमेशा ये याद रखो, पानी साफ रखने से सब प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एंड फिश के लिए फर्स्ट एड क्या है, व्हेन इन डाउट 10% वाटर चेंज, ठीक है। चलो बाय।